हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं एक छोटा सा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाया हूं। जैसे आप एमएस वर्ड या एक्सेल या कुछ भी ऑफिस का अगर आप पैकेज खोलते हैं, जैसे मैं वर्ड खोल रहा हूं और यहां पे मैं इसे ओपन करता हूं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो ये मेनू इंसर्ट, ये जो होम टैब अपने आप ही ये जो ओपन आता था, ये यहाँ पर हमें दिख नहीं रहा। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तब ये हमारे पास आता है। जैसे ही फिर से मैं इस पेज पे काम करना शुरू करता हूँ तो ये फिर से हट जाता है। तो इसे कैसे हम लाएंगे दोबारा से, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, वर्ड खोलता हूँ मैं इसे, नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स लेके। अब इसे जो है वापस लाने के लिए दो तरीके हैं। एक तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एक अप एरो दिख रहा है, यहाँ पे रिबन डिस्प्ले ऑप्शन, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो अभी आपका यहाँ पे ऑटो हाइड, ये सॉरी यहाँ पे शो टैब्स एंड कमांड्स अगर आप करेंगे तो आपका ये दिखने लगेगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर शो टैब्स करेंगे तो यहाँ पर आपका शो टैब्स का यहाँ पर जो ऑलरेडी है अभी हमारा वैसा ही है। फिर से अगर मैं खोलूँ इसे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा अभी जो है तीन ऑप्शन है, यहाँ पे शो टैब्स, ऑटो हाइड और ये शो टैब एंड कमांड्स। अगर यहाँ पे अगर आप कर देते हैं तो आपका ऐसा ही रहेगा, ठीक है। अगर आप इसे शो टैब्स एंड कमांड करेंगे तो आपका ये आ जाएगा। इवन आप इसे अगर बंद भी करके दोबारा से स्टार्ट करेंगे तो भी आपका ये होम पेज का जो होम मेन्यू का जो ये ऑप्शन होता है ये खुला होता है, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन ही मैं बता देता हूँ। सिंपल मैं यहाँ पे शो टैब कर देता हूँ, यहाँ पे आपको होम टैब पे राइट क्लिक करना है, ठीक है। राइट क्लिक आप करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कलेप्स द रिबन, यहाँ पे टिक लगा हुआ है। अगर इसे आप अनटिक करेंगे तो ये फिर से शो होने लगेगा। फिर से इसे बंद करके दोबारा से ऑन करेंगे तो देख सकते हैं ऐसा ही है हमारा, वही है। अगर फिर से आपको हटाना है इसे तो कलेप्स द रिबन करेंगे, ये फिर से हाइड हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। गुड बाय।